परिवार कैसे है? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी शायद कितना टाइम हो रहा, रुक जाइए देखते हैं। 9:05 बाकी है। मेरा रोज का काम वाम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिया, नाश्ता भी बना चुके हैं, सोयाबीन मटर छिमी आलू का सब्जी और रोटी पराठा दोनों, रोटी पराठा और सोया बड़ी आलू मटर छिमी का सब्जी बन के रेडी हो गया। हम नहीं खाते हैं सोया बड़ी, इसीलिए हम दूध देके रोटी खा लेंगे। सोमा भी जा गई है, घर झाड़ू पोछा करके आ गई, उसका नाश्ता निकाल दिए। नाश्ता हो चुका है हम लोग का, सबका आज नाश्ता हो चुका है। बर्तन नहीं धोए, मम्मी थोड़ा पुई डंठी तोड़ने के लिए आई है। देखिए कितना बड़ा हुआ, एकदम लंबा सा यहाँ से वहां तक। छत के ऊपर लगाए तो बहुत हुआ था, आप लोगों को जो मेरा ये ब्लॉग रोज देखते हैं उनको पता होगा। टॉप में लगाए तो बहुत हुआ था, वहां पर ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए लाके बरसात में 2-4 को यहाँ रोप दिए थे। तो रोप दिए तो मतलब एक को इतना मोटा इतना बड़ा हुआ था। मेरा गोतनी बोली थे, मेरा गोतनी बोली थी जो मिट्टी में लगाइएगा जमीन पर तब अच्छा होगा। हम लोग का जमीन इतना नहीं है, गांव का जमीन अलग टाइप का, यहाँ का जमीन अलग खड़ा हुआ, थोड़ा सा जमीन कहाँ पर लगाए, तो इसीलिए यहाँ तब लगाने कितना बड़ा देखे उनको। एक दिन उस दिन एक दीदी को यहाँ मांगे थे पूछ के बता, उनको दिए थे, और बाकी आज थोड़ा ले जाएंगे सब्जी बनाने। इधर देखिए इसको खाना दिए, सुबह रोटी दिए इसको, पत्तू को। इधर देखिए केला पेड़ कितना छोटा टो लाए थे, कितना पत्ता दिए जा रहा, पत्ता दिए जा रहा, पत्ता दिए जा रहा। इसको नहीं लेंगे, तोड़ने भी मन नहीं कर रहा। मम्मी बोलती तोड़ने भी मन नहीं करता, मत खाइए, खाने भी ना मत। पत्ता दिए जा रहा, फिर एक पत्ता भी निकलेगा। मेरे को तो पत्ता में चावल खाने में बड़ी मजा आता है। इलिश मासे झोल मछेर और मटन चिकन कुछ भी बने, मेरे को खाने में बहुत मन। लेकिन मम्मी अभी काटने नहीं देगी ना, मेरा भी मन नहीं है काटने का, पत्ता भी दिया नहीं है केला, इसीलिए दीजिए। हाँ ये देखिए इतना मम्मी तोड़ के लाई और ले रही है थोड़ा सा। आम का पेड़ में फूल आए जा रहा, लेकिन ये देखिए छोटा-छोटा आम भी हुआ है। ये देखिए एक मटर जैसा हुआ था, एक बार झड़ गया, जवा गश्त था, बढ़ रहा है। हाँ, नहीं हुआ, बड़ा हो गया, फूल नहीं कब देगा पता नहीं। तोड़ लिए पुई साग, पुई डंठी, पुई साग इतना काफी है। बेटा नहीं खाता है, भैया का चप्पल पहने हैं हम। ओहो, कांटादार कांटादार मेरा पैर, क्या हो गया उसको, मतलब बिना मतलब उसको पत्तू बहुत मारता है इसको। आ रहा आ रहा, मम्मी चली अंदर, हम भी चले। बर्तन बर्तन ज्यादा नहीं है, धो लेंगे। देखिए पुई पत्ता लेके आ गए, मम्मी कटिंग भी कर लिए आधा, कितना अच्छा बड़ा बड़ा एकदम पत्ता सब हुआ है। देखिए सब्जी कटिंग हो गया है आज, फूलगोभी आलू मछली का कड़ी बनेगा, टमाटर चटनी बनेगा मीठा वाला। इधर मम्मी फिश धो रही है ना, फिश धो रहे हैं, और इधर क्या बनेगा, घर का पुई पत्ता डंठी बैंगन आलू मछली का मम्मी देखिए चचड़ी बनेगी। अभी जाके धूप थोड़ा खिला, सुबह से धूप नहीं था, बहुत ठंडा लग रहा है। हम तो नहाए नहीं अभी तक, इतना जल्दी नहाते नहीं है, आप लोग से तो शेयर किए हैं, लेट से ही नहाते, पूरा काम वाम खत्म करके फिर से घर, और एक बार झाड़ू करते हैं। अगर बाहर डॉगी लोग गंदा किया तो उसको फिर पोछा लगाते हैं, फिर नहाने जाते हैं। थोड़ा ठंडा का भी प्रॉब्लम है उसको, पहले उतना नहीं था पता नहीं, अभी पहले बहुत छोटा में था। एक गुप्ता डॉक्टर थे वो ना, उन डॉक्टर ने उनका ये सोमा का ठीक कर दिया था सर्दी खांसी सब, लेकिन जैसे ही वो कोरोना काल में डेट हो गया, बहुत अच्छा हम लोग को वो डॉक्टर दिखे थे, गुप्ता डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर, हम सोचते सामने चले गए इस दुनिया से। फिर से सोमा को ठंडा पकड़ रहा पूरा एकदम, हमेशा सोमा को हमेशा ठंडा पकड़ रहा है, थोड़ा नहा लेने से, थोड़ा कुछ ठंडी चीज खा लेने से प्रॉब्लम हो जा रहा है। यम्मी यम्मी सब्जी बन के रेडी हो गया आज, फूलगोभी आलू टमाटर देखे, मछली का कड़ी बना है, इधर चौचौड़ी बना, इसमें बैगन आलू और जो पुई साग हम लोग का घर का है बाहर से आज नहीं लाए हैं, और मछली का मुंडी देखे चौचौड़ी बना है, ये टमाटर का चटनी मीठा वाला, और ये फिश फ्राई। अभी पानी गर्म हो रहा है, चावल बनाया जाएगा। आज का मेनू यही है, देखिए कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है। मैं तो पहले सो गई थी, फिर हम
हम जागे थे नहीं सही सोमा तो सोई नहीं हम थोड़ा सा सो गए थे उठे तो देखे सोमा बगल में नहीं है हम बोले कहाँ गई छत के ऊपर आ गई हो हम डर गए कहाँ गए हम बोले खाना शायद खा रही लंच नहीं की थी ना इसलिए हम सोचे खाना करे लेकिन वो खाना नहीं खाना खा ली लंच नहीं की मूढ़ी खाई ना सोमा मूढ़ी खाई फिर उसके बाद बर्तन धो करके घर उर झाड़ू करके छत का ऊपर आ गया चुन्नी बल्ब जो दीपावली में लगाया गया था ना दिवाली में वो सब खोलने के लिए बेटा का टाइम नहीं है खोलने के लिए इसीलिए वो खोल रही है हम सोचे हम भी थोड़ा छत का ऊपर जाते हम भी कपड़ा लता जो खींच के सुखाए थे वो सब उठाए फिर दोबारा उसको अंदर सुखा दिए हम तो लेट में धोते हैं नहीं सूखता इसीलिए अंदर सुखाए फिर हम भी ऊपर छत का ऊपर चल दिए वो छत का ऊपर चुन्नी बल्ब सब ये खोल दी सब खोल दिया और एक गुस्सा आप लोग को दिखाई नहीं देगा आवाज दे रहा कि क्या पता बगल में किसी का घर में तोता रखे थे वो तोता तो उड़ करके दूसरा हाँ सजना का पेड़ में आप लोग को दिखाई नहीं देगा शाम हो गया ना अगर ये लोग ना बहुत नमक खराब होता है क्यों जानते हैं हम जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना उस टाइम ना तोता ला दिए थे हस्बैंड तो उस टाइम हम ना उसको देखिए मेरा देखिए आवाज कर रहा लेकिन उसका मालिक बुला रहा ना नहीं जा रहा इतना डॉग अभिकीर्ति मेरा बेटी तेरे को दिखाई नहीं देता का डॉगी लोग देखिए कहीं भाग जाने से भी ना घूम के आता ये लोग बड़ी बदमाश होता है जो आजाद चाहता है ये लोग भी अपना आजादी में जीना चाहता है आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या पता जूम कर रहे दिखाई दे रहा होगा तो नहीं दिखाई रहा ग्रीन पेड़ में चढ़ गया उसका शरीर भी ग्रीन उसमें मतलब दोनों कलर मिल गया तो पता नहीं चलता ये लोग बॉडी ये होता है उस सुनिए बेटा होने का टाइम ला दिए थे हस्बैंड वो ना ये था थोड़ा उसका पंख हम कितना ऑपरेशन हुआ था कितना प्रॉब्लम है था तभी भी उसको चना दाल को पीस के और ये कबूतर का पंख में खिला रहे थे खिलाते खिलाते थोड़ा बड़ा हुआ उसका जैसे पंख निकल गया ना भाग के चल गया बड़ी तकलीफ हम सोचते थे ये भी बड़ा होगा मेरा बेटा भी बड़ा होगा दोनों बेटा का पास बैठेगा लेकिन नहीं ये लोग बड़ी ये होता है जो निमक खराब होता है इसीलिए देखिए देखिए मालिक लोग आया है वो लोग कितना बुला रहा तो अभी भी नहीं आ रहा अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा मेरे को लेकिन दिखाई दे रहा मेरे को पहले नहीं दे रहा था बेटी जब आई बोले हम जब छत का ऊपर ना आए हैं बेटी बोली तब हम ना ध्यान से देखे तो हाँ ये देखिए हम लोग का यहाँ प्लेन ना सिखाया जाता है सोनारी भी है जमशेदपुर में वहाँ पर ये है एयरपोर्ट है सिखाया जाता है देखिए जा रहा आप लोग को दिखाई दे रहा ना नहीं पता नहीं दिखाई दे रहा ये देखिए जा रहा एकदम नजदीक से जा रहा देखिए ये देखिए शाम का टाइम रोज हम लोग पहले छत का ऊपर बढ़ते देखिए जा रहा देख रहे हैं पूरा जा रहा है देखिए पूरा नजदीक से जाता सिखाता है स्टूडेंट लोग सीखते हैं ना क्या पता नहीं सब कोई तो बोलते सिखाते हैं ए देखे चला आ गया तोता उड़ गया तोता उड़ के दूसरा पेड़ में चला गया जैसा मान ली कि पेड़ हिलाने लगा है उनका अपना छत से आके दूसरा छत से वो उड़ के चल दिया वो नहीं आएगा हम जानते उन लोग नहीं आएगा का मालिक ना ये उसका जो रहने वाला पिंजरा है ना उसमें ये बॉस में मतलब कोई लकड़ी में बांध करके टांग करके उसको मतलब जैसे पिंजरा में घुसे ऐसे ही करते करते दूसरा पेड़ में चला गया बेटी बोल रही है डॉगी लोग होता दफादार ये बोल रही ना ये लोग देखिए कुछ भी खाने दे दीजिए कितना मारिए हम उस दिन डांटे हैं करें उसको क्योंकि घर का अंदर ना टॉफी का दूध रोटी खा लिया था तभी भी आकर छत में थोड़ा देर सोया फिर जाके घर का जो कबाड़ी है ना वो पैर में ना ये मतलब खोलने की कोशिश कर रहा था ये लोग बहुत अच्छा होता है चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो हो गया तेरा काम हो गया नीचे जाना पड़ेगा आज बेटी खोल दी हम बोले हाँ हाँ खोल दो क्योंकि छत का पर झाड़ू उड़ू और पेड़ में पानी देने से ना तार में लग रहा ठीक नहीं लगता है बिजली का तार है इसीलिए चलो ले चलो खोल दी जब खोल दी सब ले चलो छत का ऊपर से आने का बाद ना सोमा भगवान लोग को आरती दिखाई हम सॉन्ग बजा दिए सोमा सॉन्ग बजाने जानती है इतना खास नहीं जानती है थोड़ा बहुत बजाती है बेटा बहुत अच्छा से बजाता कहीं बजाता तो उसको प्राइज मिलता जहाँ सॉन्ग का नहीं होता है
स्कूल सब में कि कहीं पूजा पाठ में ये होता है, कोई अपना अलग अलग गुण संग बजाने का ये चलता है, जैसा क्या बोलता है वहाँ कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पर बजाता ना मेरा बेटा फर्स्ट आता, इतना सांस रुकता पता नहीं कैसे बजाता, उसको ड्राइंग नहीं बनाने आता। सोमा बोले उसको ड्राइंग बनाने नहीं आता, मेरे को ड्राइंग बनाने आता है, सबका अपना अपना खास एक ये है। सही बात है, थोड़ा लूडो खेलेंगे जा रहे हैं, कल सोमा हम खेले थे, सोमा हमको हरा दी, आज बोले कल तो आप हारे थे, मैंने देखते हैं आज क्या होता है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। निकल के बैठ गए हैं, वो मारी नहीं, वो ब्लू और ग्रीन लेगी, हम येलो और रेड लेंगे, दो दो करके हम लोग खेलते हैं। खेलो, वो खेलते ही छह निकल के, कल भी वैसे ही वो जैसे ही मार दी छह निकल गया, हम मेरा कितना टाइम के बाद निकला, उसे में हम तो हारेंगे ही ना, बीच बीच में दिखाते रहेंगे। हम लोग जो लूडो खेले थे सक्सेसफुल हो नहीं पाए, क्योंकि बेटा आ गया, उसको भूख लग रहा, रोटी बनाइए करने लगा, सोमा चली गई रोटी बनाने के, दिन का सब्जी था उसी में डिनर हो गया, बर्तन भी नहीं थे, बर्तन पड़ा हुआ है, खेले नहीं है, लूडो छोड़ दिए उसी में, मतलब आधा अधूरा छोड़ दिए। आज का ब्लॉग यही करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, गुड नाइट बाय। आजकल तो यूट्यूब को क्या हो गया, किसी का भी व्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, चलिए करते हैं थोड़ा बहुत, जो होता होता, नहीं होगा।